जी ओके सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को समझो, आप लोग है ना अभी तक काम करना अगर आप शुरू कर चुके हो और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग आपको नहीं आती है। कंटेंट मार्केटिंग को सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्विटेशन आप कर सकते हो, इन्विटेशन के बाद आप कॉन्टेंट मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। सबसे पहले आप सब लोग मेरी स्क्रीन को अच्छे से सब देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे, वाई कॉन्टेंट मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग क्यों करनी है। देखो कॉन्टेंट मार्केटिंग दो तरीके से होगी जयबान जी, दो तरीके से होगी। जो लोग कैमरा पर रहेंगे ना मैं उन्हीं सबका नाम लेता रहूंगा क्योंकि मेरे को आप सबके चेहरे दिखते रहेंगे यहाँ पर, याद रखना ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग दो तरीके से होगी, एक होगी बिफोर वेबिनार और एक होगी आफ्टर वेबिनार। कस्टमर जब आपका मीटिंग में बैठ जाता है, क्या बोला मैंने, कस्टमर जब आपका मीटिंग में बैठ जाता है तो मीटिंग में बैठने से पहले भी आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है ताकि वो मीटिंग में आ सके, और वो मीटिंग में जब आ जाए तो मीटिंग के बाद भी कंटेंट मार्केटिंग करनी है ताकि वो मीटिंग में आने के बाद जब आप उसके कंटेंट भेज दोगे उससे रिलेटेड, तो होगा क्या भाइयों चौधरी जी, क्या होगा उसके बाद आपके है ना, अगली बार कस्टमर ना तो आपका नंबर ब्लॉक करेगा, कस्टमर आपकी बात को सुनेगा समझेगा और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो पाएगा, याद रखना ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर कंटेंट मार्केटिंग। मान लो अहमद भाई आप है ना पहली बार आए हो, मैं अगर एक ऐसा पर्सन हूं जिसको जिसके आप लोगों ने वीडियो देखी, आपने पहली बार मेरे को कॉन्टेक्ट किया, तो आपके वेबिनार में आने से पहले जब आपने ज्वाइनिंग किया होगा, जितने लोगों ने मेरे साथ मेरी टीम में ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता, जितने लोगों ने मेरे साथ टीम में ज्वाइन किया था ना, तो उन सबको कहीं ना कहीं कंटेंट भेजा गया था। बेसिकली कंटेंट गया था, क्या कंटेंट गया था, आप सब लोगों को मैंने ना बिफोर वेबिनार मीटिंग में लाने से पहले आप सबको मैंने कंटेंट भेजा था, जहां पर मैंने क्या कंटेंट भेजा था, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को जयवान जी संदीप जी, ध्यान से सुनो। अब जब भी आप किसी कस्टमर से बात करना, सुनना सब लोग सुनना, जब भी आप किसी नए कस्टमर से बात करो, कस्टमर का जब आप लोग इनवाइट कर दो, अगर इनवाइट करना आता है तो आप इनवाइट करना सीख चुके हो बेसिकली कल सेशन में, इनवाइट अगर करना आ गया है आपको, जब आप इनवाइट कर दोगे कस्टमर का, जब आपको हाई आ जाए मोहम्मद भाई, जब आपका कस्टमर को आपके पास हाई आ जाए तो उसको क्या शेयर करना है, कंपनी का एक ओवरव्यू वीडियो शेयर करना है बेसिकली, कंपनी का 6 से 7 मिनट का एक ओवरव्यू वीडियो होता है बेसिकली, वो वीडियो आपको उनको शेयर करना है ठीक है। जैसे कस्टमर आपको हाई लिख के भेज दे, उसको मीटिंग का ये नहीं बोलना, आपको एप्लीकेशन का लिंक, स्पॉन्सर लिंक कुछ नहीं भेजना भाई, कुछ नहीं भेजना, तरीका है, तुक्का नहीं सिखा रहा हूं, तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई भी उसको एप्लीकेशन का स्पॉन्सर आईडी कुछ नहीं भेजना भी, सिंपल से सबसे पहला कंपनी का एक ओवरव्यू वीडियो भेज दो। ओवरव्यू वीडियो क्या होता है, एक बार ओवरव्यू वीडियो दिखा भी देते हैं आप सबको, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट होल्ड 1 सेकंड रुक जाओ, मैं आप सबको है ना कंपनी का और भी वीडियो भी दिखा देता हूँ। सिंपल जाना आप लोग है ना चैनल पे जा सकते हो मेरे, वहां पर आपको बेसिकली एक और भी वीडियो मिल जाएगा, विदाउट नंबर होगा वो आप सब लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो ठीक है। तो मैं 1 सेकंड फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ वीडियो को आपके सामने। ओके तो ये सब लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये चैनल पे गए हम बेसिकली, 6 से 7 मिनट का एक ओवरव्यू वीडियो होता है, तो वो वीडियो आप यूज कर सकते हो बड़े इजीली ठीक है। तो मैं आप सबके साथ दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो है, यूटेक ऐप से इनकम कैसे करें। ओके ओके ये एक छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूटेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों आज यूटेक पूरे भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन के उभर रहा है। इसकी मुख्य वजह है इसके साथ शामिल होने वाले लोग डेली अर्निंग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूटेक प्लान को विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल पर बात करते हैं दोस्त। ओके सो गाइज, आप लोगों ने देखा ये 6 से 7 मिनट का एक 6.5 मिनट तक का एक छोटा सा वीडियो है, ये वीडियो जो है आप अपने डाउनलोड करके भी आप शेयर कर सकते हो। सिंपल ये वीडियो आपको भेजना है कस्टमर को, कस्टमर को जब आप ये वीडियो भेज दोगे ना, इसके बाद क्या करना है वो समझो आप। कस्टमर को आपने ये वीडियो भेज दिया, उसके बाद आप लोगों को भेजना होगा उनको एप्लीकेशन का लिंक, जहां पर आप उनका यूटेक के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन करवा दो। सबसे पहला जब आप उनको ये वीडियो भेज दो, और कस्टमर को बोलना कि सर ये वीडियो देखने के बाद मेरे को आप है ना डन लिख के भेज दो, यस लिख के भेज देना जब आप ये वीडियो भेज दो। वीडियो भेजने के बाद आप कैप्शन में लिख देना, उनको मैसेज कर देना, जैसे आपका कस्टमर आपकी ये वीडियो देख ले और आपको डन लिख के भेज दे, उसके बाद आपको है ना रुक जाना है, सिंपल रुक जाना है, और उनको सिर्फ अपने एप्लीकेशन का लिंक भेजना है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपका भेजना है नए प्रोस्पेक्ट को। नए प्रोस्पेक्ट जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले और आपको दिख जाए यार नया रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब उस कस्टमर को छोड़ दो जयबान जी, उस कस्टमर को अब छोड़ दो। रजिस्ट्रेशन हो गया, वीडियो भेज दिया, अब छोड़ दो उस कस्टमर को, अभी कुछ नहीं करना अपने को उससे। देखो मैं एक चीज बता दूं, यहां पर इस बिजनेस में ना अधिकतर लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, बेचू 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 वाला काम कर रहे हैं।
कि बेच दिया, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, नहीं करना। लगना चाहिए यार सेल्समैन नहीं हो आप, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर दो। एक ऐसा पर्सन लगनी चाहिए जो कि उसकी प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो, क्योंकि वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ सेल्समैन। सेल्समैन नहीं हम लोग, बेचू बिचू का काम नहीं करते, घर घर जाके ना डब्बा प्रोडक्ट ऐसा नहीं बेचना हमको, है ना। वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जहां पर हम कस्टमर जो है ना हमारे पास खुद चल के अगर आया है तो कस्टमर की प्रॉब्लम पे बात करेंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनेंगे हम। सिंपल से सुनील कुमार जी ध्यान से सुनना, कस्टमर की प्रॉब्लम पे बात करेंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनेंगे। अब देखो मैं आपको ना एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आप है ना एक बार मेरी स्ट्रेटेजी को समझ पाओ, मैं क्या करता हूं और आपको क्या करना है वो समझ पाओ। संदीप भाई ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, सिंपल से कस्टमर को वीडियो भेजा, एप्लीकेशन का लिंक भेजा, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरी बात, अब डिपेंड करता है मैंने बात कब करी। अगर मैंने दोपहर में 1 बजे बात करी थी, सिंपल दोपहर में 1 बजे बात करी थी, अगर इन्वाइट किया था मैंने उसको शाम को मीटिंग में 9 बजे के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनना और समझना। सिंपल से जूम का लिंक अपन ने भेज दिया उनको, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब जूम लिंक भेजने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, अब है ना आपको अगर 1 बजे के आसपास आपने बात करी, सुबह 12 बजे आसपास बात करी, तो उसके 2 से 4 घंटे के बाद या 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको उसको एक वीडियो और भेजना है। क्या वीडियो भेजना है, ताकि उसको याद आ जाए कि शाम को 9 बजे उसने एक मीटिंग के लिए बोला था, आपन उसको एक मीटिंग के बारे में बताया था, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, तो अब वो शाम को ठीक 9 बजे से पहले उसको अपन को है ना 2 से 4 घंटे पहले एक वीडियो भेजना होगा, ताकि उसको रिमाइंडर मिल जाए। कौन सा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, आ रहा हूं आज शाम को 7 बजे का। बेसिकली यहाँ पे हमने पहले शुरू किया तो 7 बजे का टाइम था, इसके अंदर आपको एडिट करके 9 बजे का टाइम आपको एडिट कर लेना है सिंपल। और ये एक वीडियो है जहां पर आप है ना कस्टमर को ये वीडियो भेज सकते हो, और इस वीडियो के अंदर देखो कोई मैंने मीटिंग का लिंक नहीं है, सिंपल एक रिमाइंडर वीडियो है ये। रिमाइंडर वीडियो से कस्टमर को पता चलेगा यार मैंने ना शाम के लिए एक मीटिंग है, मेरी शाम को एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो उसको रिमाइंडर चल जाएगा। वीडियो में क्या है, वीडियो सुन लेते हैं पहले, ध्यान से शुरू करते हैं। ओके 2020 में जब मैंने पहली बार अपने YouTube चैनल शुरू किया तो उस चैनल पे मैंने मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उस चैनल को जो है मैंने मोनिटाइज भी किया। लेकिन 2022 आते आते मेरा वो चैनल जिससे मुझे पेमेंट आने वाला था वो चैनल हो जाता है डिसेबल। इतने टाइम की जो मैंने मेहनत करी थी ना वो सब की सब धरी रह जाती है। लेकिन यार देखो कहते हैं वहां पर जब मैं फेल हुआ ना तो मैं अकेला फेल नहीं हुआ था। वहां पर जो मैंने इतने टाइम की मेहनत जो करी थी पूरी टीम के साथ जो करी थी ना वो पूरी पूरी टीम हमारी जो है ना फेल हो चुकी थी। लेकिन वहां से एक चीज सीखी थी एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस के बदौलत आज की डेट में 6 से 7 महीने में अपने इस चैनल पे मैंने 10,000 से 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आज की डेट में ऑनलाइन तरीके से कैसे हम लोग पैसा कमाते हैं उसके बारे में लोगों को आज की डेट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि आज की डेट में पैसा कमा भी रहे हैं। और देखो आप लोग भी अगर चाहते हैं सोशल मीडिया से हम लोग पैसा कमाए तो ठीक, जिस भी पर्सनल ट्रेनिंग का लिंक भेजा है आपको एक लिंक भी मिला हुआ नीचे, 9 बजे मैं आ रहा हूँ आप लोग मुझे फिर से मिल रहे हैं। या फिर आपसे बताऊंगा कैसे आप लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके कैसे पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम कर सकते हो। डिपेंड नहीं करता गाइस आज आप लोग एक तो आउटलेट मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई ड्रॉपिंग करते हैं या कोई भी अगर आपको अच्छी शॉप है कोई दुकान वगैरह आप चलाते हैं ना 2 से 3 घंटे तो मिलते हैं ना यहाँ पर। 2 से 3 घंटे में अगर चाहते हो सच में एक अच्छी इनकम करना तो आप लोगों ने जैसी जिंदगी अभी तक चल रही थी वैसी चल रही है कोई बात नहीं। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अगर डिसीजन लेने के लिए तैयार हो तो आज शाम को 9 बजे वाली मीटिंग को मिस मत करना। मिलूंगा मैं आपसे वहां, जब तक के लिए राधे राधे। ओके सो आप लोगों ने देखा एक छोटा सा वीडियो था जहां पर हमने क्या बात करी, बेसिकली एक छोटा सा रिमाइंडर वीडियो हम लोगों ने शेयर करा कस्टमर को, जिससे हुआ क्या, कस्टमर को है ना अपन ने ये चीज रियलाइज करा दी कि यार सर आज ना आप मुझे अच्छे से पता है, जयवान जी संदीप भाई सुनील भाई सबका मुझे पता है, आप सब लोग है ना काम करते हो, भांति भांति के लोग आते हैं, कोई जॉब भी करता है, कोई स्टूडेंट भी होता है, कोई हाउस वाइफ भी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साला कुछ करते भी नहीं है, ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास, मुझे अच्छे से पता है। तो वो लोग जब आपके पास आएंगे ना, तो उनको अगर ये वीडियो आपने शेयर कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पर गाइस समझना मेरी बात को, होगा क्या आप लोगों ने जब उनको ये वीडियो शेयर किया तो उनको रियलाइज होगा कि यार आज की डेट में मैं कुछ करूं या ना करूं, अगर मैंने पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को शुरू किया तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं, और काम करने के लिए मेरे को मीटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मीटिंग के लास्ट में ये वीडियो डिजाइन ही कुछ इस तरह से हुआ है जहां पर आप सब लोगों को एक ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा इस वीडियो से, ताकि कस्टमर है ना आपकी मीटिंग के अंदर आ सके। बेसिकली पहले वो क्या रहा था, हम उनको ना प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे थे, प्रोफेशनल काम कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब मैंने क्या किया यार, 1 बजे मेरी बात हुई, मैंने 3 बजे के 3:30 बजे के आसपास ये वीडियो भी भेज दिया उसको, रजिस्ट्रेशन हो गया, एक वीडियो भेज दिया, हो गया काम। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल से अगर आपने ना उनको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करवाया अभी तक, साक्षी जी अगर आपने ना
उनको अभी तक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कराया, तो आपको है ना सिंपल एक ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगे बेसिकली। आज शाम 9 बजे के वेबिनार को अटेंड करने के लिए तैयार रहें और जूम एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड करें। तो ये एक मैंने लिंक भी है और एक टेक्स्ट फॉर्मेट भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इससे होगा क्या, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। कस्टमर को आपने है ना छोड़ा नहीं है बेसिकली, कस्टमर से 1 बजे बात करी तो भी कंटेंट गया, 3:30 बजे भी कंटेंट गया, फिर 5 बजे फिर कंटेंट गया, और 5 बजे का फिर कंटेंट गया। तो फिर एक बार और कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों के लिए ना एक ऐसा वीडियो और भी मैं आपके लिए डिजाइन कर दूं और आपको साथ ग्रुप में अवेलेबल करा दूं, ताकि मीटिंग 9 बजे होगी ना, तो 9 बजे से पहले पहले, याद रखना 9 बजे से पहले पहले आप उसको है ना 1 घंटे पहले एक वीडियो और शेयर कर दो रिमाइंडर के लिए, जिससे हो गया ना कस्टमर है ना आपको भूलेगा नहीं। सुनील भाई याद रखना, कस्टमर है ना आपको भूलेगा नहीं, और कस्टमर अगर आपको भूलेगा नहीं तो अपना काम तो आसान हो गया यार। कस्टमर अगर आपको भूलेगा नहीं, तो पहले क्या हो रहा था ना, हम उसको ऐसी बात करके छोड़ रहे थे, जिस वजह से उसको ना कोई तंत वाली बात लगनी नहीं थी, उसको ऐसा लग रहा था, फील नहीं हो रहा था उसको कि यार मैं एक्चुअल में किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ। और अगर आप कस्टमर से बात करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में अगर उसको आपकी याद दिलाते रहोगे ना, तो 9 बजे वाली मीटिंग में भले वो 5 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, आएगा जरूर। और 9 बजे अगर आपने मेरे बताए तरीके से काम किया और 9 बजे का मैं प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सबके लिए, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस है कि कस्टमर अगर एक बार मीटिंग में आ गया, उसके दिमाग में बैठ गया कि क्या बिजनेस है, तो ये इसके बाद अब आपको क्या करना है वो समझना। अमरीश जी ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर सिंपल से आपने जब उसको वेबिनार का लिंक डाउनलोड करवा दिया, लिंक डाउनलोड करवाने के जब एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया, और 1 घंटे पहले कोई कंटेंट वीडियो अगर आपको अभी ग्रुप में है नहीं वैसे तो, लेकिन आपको विद इन 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर एक वीडियो और भी मिल जाएगा, एडिट के लिए अप्लाई है आपको मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, सिंपल से जब आपने रिमाइंडर वीडियो भेजा 3:30 बजे, उसके बाद क्या करना है, ये एक फ्लायर होगा, बेसिकली मेरा खुद का फ्लायर होता है, जहां पर आपको 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन वाला जो वेबिनार होता है, मेरा खुद का वेबिनार जो होता है, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो। सिंपल से ये आप लोगों ने भेज दिया, अब इसके बाद क्या काम करना है वो समझो। ये तो था भैया बिफोर वेबिनार। गाइस मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ना यहां तक तो समझ में आया कि भाई साहब करना क्या क्या है। आई होप सब लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख लिख के भेज दो, फटाफट से लिख के भेज दो कितने लोगों को समझ में आया यहां तक, कितने लोगों को क्लियरिटी है शिवम भाई, कितने लोगों को क्लियरिटी है संदीप भाई, रुपेश भाई, कितने लोगों को क्लियरिटी है कि कॉन्टेंट भेजना कब है, वेबिनार से पहले क्या भेजना है, कैसे भेजना है। आई होप सबको समझ में आया ये सेशन। देखो मेरे को पता है बहुत छोटा सेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता अधिकतर लोगों को है ना क्लियरिटी नहीं होती, पहली बात तो कंटेंट भेजना क्या है, कैसे भेजना है। प्रीत मैम आई होप समझ में आया, संदीप भाई समझ में आया, सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दो, विश यू ऑल आई होप समझ रहा हूँ मैं। रामानुज जी सुन पा रहे हो, रोशन भाई देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, क्या करना है। जीव राम जी आई बात समझ में, क्या करना है भाई, आ गया समझ में सर, साक्षी जी ने लिख दिया आ गया सर समझ में, मयंक भाई जी ने लिख दिया यस सर आ गया, नो सर, चौधरी जी आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे को कॉल कर लेना आप मुझे ऐसे ही कॉल करते रहते हो ना, कॉल करके बता दूंगा आपको मैं अच्छे से, बट फिर भी एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ आप सबके लिए क्या करना है आपको, मैं फिर भी बता देता हूँ आप सबको। देखो चौधरी जी ध्यान से समझना मेरी बात को, कस्टमर से जब आप पहली बार बात करोगे, कस्टमर से जब आपने बात कर ली, तो आपको इनविटेशन करना सिखाया था, कल मीटिंग में थे आप, इनविटेशन करना सीखा था कैसे इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद जब आपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग जानी, प्रोफाइल पे बात करने के बाद कस्टमर की प्रॉब्लम जानी, तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कस्टमर की प्रोफाइल जानी, उसकी प्रॉब्लम जानी, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आपने उसको ना मीटिंग में जब इन्वाइट कर दिया, चौधरी जी मीटिंग में जब आप उसे इन्वाइट कर देते हो ना, तो आप क्या करना है सिंपल, जब आपने कस्टमर को बोला कि शाम को हमारी मीटिंग है और कस्टमर ने आपको हाई लिख के भेज दिया, हाय लिखने के बाद सिंपल क्या करना है उसको, आप लोगों को सिंपल से आपको वहां पर है ना 6.5 मिनट का यूट्यूब से, मेरे चैनल मैंने आपको बताया यूट्यूब पे जाना आप, बेसिकली यूट्यूब पे जाने के बाद ये एक वीडियो मिल जाएगा आपको, यहाँ पर यूटेक बिजनेस प्लान 20 से 50 हज़ार रुपये आप महीना कैसे कमा सकते हो, 6.5 मिनट का एक वीडियो है, ये वीडियो डाउनलोड कर लेना, कोई नंबर वगैरह है नहीं, चाहो तो डायरेक्ट भी भेज सकते हो, ये वीडियो देखने के लिए आप कस्टमर को बोलो, कस्टमर जब आपका ये वीडियो देख ले, वीडियो देखने के बाद सिंपल से अपना रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दो, अपना रजिस्ट्रेशन वो जैसे कंप्लीट कर ले आपके साथ, कस्टमर ने 1 बजे के आसपास जैसे कि मैंने बात करी और मैंने 1:30 बजे के आसपास कस्टमर को वैल्यू वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा दिया, अब मैं क्या करूंगा उससे ना कोई बातचीत नहीं करूंगा, अब मैं उससे कोई बातचीत नहीं करूंगा चौधरी जी, कोई बात नहीं करेंगे, सिंपल मैं क्या करूंगा 3:30 बजे उसको एक रिमाइंडर वीडियो भेज दूंगा, ये वाला कि आ रहा हूं मैं आज शाम को 9 बजे, ये एक वीडियो जो है रिमाइंडर वीडियो, एक अच्छा वीडियो है जो कि आप सब लोगों के लिए डिजाइन किया है, ये वीडियो भेज दिया। ये वीडियो भेजने के बाद अब मैं क्या करूंगा, 3:30 बजे ये वीडियो भेजा, अब मैं क्या करूंगा 5 बजे के आसपास एक छोटा सा आपको है ना कैप्शन लिख के भेज देना है कि सर वेबिनार को अटेंड करने के लिए ना जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अब जितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा ठीक है, अगर नहीं कर रखा होगा तो उनको भी रिमाइंडर चल जाएगा। 5:30 बजे के आसपास आपने ये भेज दिया,
अब उसके बाद है ना आपको कोशिश में करूंगा एक वीडियो और मिल जाए ताकि आपका काम और आसान हो जाए। वो वीडियो जैसे मिल जाएगा तो अब आप क्या करना, 7 बजे उसे एक वीडियो और भेज देना, याद होगा इससे होगा क्या, 7 बजे एक वीडियो और भेज देना। उसके बाद क्या होगा, फिर 9 बजे से ठीक 1 घंटे पहले 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आप उसको ना ये फ्लायर भेज देना, सिंपल सिंपल से। आई बात समझ में? आई आई होप सब लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी है। सिंपल से ये काम करना है, आपका काम आसान हो गया, सिंपल ये काम हो गया अब आपका। अब इसके बाद क्या करना है उसे समझते हैं। ये था भाइयों बिफोर वेबिनार, कस्टमर अब मीटिंग में आ चुका है, मीटिंग में आने के बाद क्या करना है वो समझो भाइयों। कस्टमर जब है ना मीटिंग में आ जाए, तो मीटिंग में आने के बाद आपने उसको वेबिनार लिंक भेजा, रिमाइंडर वीडियो भेजा, सब कुछ हो गया ये बिफोर वेबिनार का काम। अब देखो याद रखो, जब आपका कस्टमर आपकी मीटिंग को अटेंड कर लेता है, मीटिंग को जब अटेंड कर लेता है तो उसके बाद क्या करना है वो समझो। मीटिंग को अटेंड करने के बाद अब है ना एक वीडियो और भी मिलेगा आपको बेसिकली। अभी है ना वीडियो शूट हो चुका है बेसिकली, डिजाइनिंग के लिए डाल रखा, मतलब एडिट के लिए है वो। तो वो वीडियो जब आपको मिल जाएगा ना, तो वो वीडियो कब भेजना है, जब आपको, जब आपका कस्टमर आपका वेबिनार देख ले। कस्टमर जब आपका वेबिनार देख लेता है, तो वेबिनार देखने के बाद उनको एक डिसीजन वीडियो होगा वो, जैसे पहले इनविटेशन रिमाइंडर वीडियो था, अब एक डिसीजन वीडियो होगा। उस वीडियो को देखने के बाद है ना मीटिंग के बाद कस्टमर क्या करेगा, एक डिसीजन लेने के लिए मजबूर होगा उस वीडियो को देखने के बाद। अब आपने वो वीडियो भेज दिया, वो वीडियो भेजने के साथ साथ अब आपको क्या करना है, ठीक उसी वीडियो के थोड़े 10 मिनट बाद, क्या बोल रहा हूं मैंने, 10 से 15 मिनट बाद क्या करना है ना आपको वो समझो। अब 10 से 15 मिनट बाद आपको है ना सिंपल ये कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, जैसे कि देख पा रहे हो अर्निंग वीडियोस है, कितना पैसा आ रहा है, टॉपअप का कितना पैसा है, ये बेसिकली कुछ स्क्रीनशॉट्स है हमारे साथ। ये सेशन या ये जो स्क्रीनशॉट्स है आपको ग्रुप्स में मिल जाते हैं बेसिकली, ग्रुप्स में अगर आप हमारे साथ हो, कम्युनिटी में अगर ऐड हो तो वहां पर मिल जाएंगे। इन स्क्रीनशॉट्स को आप लगा सकते हो अपने स्टेटस पे। याद रखना आफ्टर द वेबिनार अगर आपने स्टेटस पे लगा दिया, तो इससे होगा क्या, कस्टमर क्या होता है ना वेबिनार 9 बजे के बाद होते हैं ना कस्टमर फ्री रहते हैं, अधिकतर लोग घर पे फ्री रहते हैं, तो वो व्हाट्सएप वगैरह को चलाते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं। अगर उस टाइम पे आपने लगा दिया आफ्टर द वेबिनार, तो आपका क्या होगा, कस्टमर जो है ना आपका स्टेटस है ना ऊपर की तरफ पॉपअप होता दिखेगा। साक्षी जी क्या होगा, कस्टमर को आपका स्टेटस ऊपर की तरफ पॉपअप होता दिखेगा, और उस पॉपअप स्टेटस में क्या होगा गाइस, वहां पर कस्टमर उस पॉपअप स्टेटस को देखेगा और उसको दिखेगा यार यहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। लोगों को यहाँ पे क्या दिखेगी, आपकी अर्निंग प्रूफ दिखेगी, जैसे कि देख पा रहे हो ये 1 तारीख का था बेसिकली, तो 1 तारीख में कितने कमाई हुई, 1100 रुपए के आसपास की कमाई हुई, तो ये दिख गया कस्टमर को। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को स्टेटस अगर आपने लगाने हैं, तो उसके 10-15 मिनट बाद है ना कुछ इस तरह के फ्लायर लगा दो। ये जैसे कि टीम, ऑफिशियल विनिंग टीम से मैंने एक फ्लायर आप सबके लिए निकाला है, इसी तरह से इससे बेटर तरीके से, इससे बेटर डिजाइनिंग के साथ आप सब लोग है ना, अगर टीम में अगर आप सब लोग मेरे साथ हो, तो आपको ना एक वायरल मटेरियल का फोल्डर मिल जाएगा बेसिकली, जहां पर जब अगर आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइनिंग कर लेता है, बिफोर पहले की कोई ज्वाइनिंग हो, नई ज्वाइनिंग हो, तो उसके लिए आपको है ना एक मार्केटिंग टूल मिल जाएगा बेसिकली। उसके अंदर आप है ना खुद से कस्टमर का फोटो लगा सकते हो, कस्टमर का नाम चेंज कर सकते हो, और वो चीज करने के बाद होगा क्या, आप जो है ना सिंपल तरीके से ये वहां पर उनको यहाँ पर भेज सकते हो। अब यार ये कुछ लोग है ना मस्ती कर रहे हैं, अब 1 सेकंड की मस्ती बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे अपन, 1 सेकंड रुक जाओ बस। लो जी करो अब मस्ती, करो सब मस्ती, करो करो मस्ती अब, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया कि करना क्या है आप सब लोगों को, बहुत आसान तरीका था। मीटिंग ओवर हो गई, मीटिंग ओवर होने के बाद एक वीडियो भेजा, ओवर होने के बाद अब आपको क्या करना है और ध्यान से समझना, सिंपल। अगर आप लोगों ने मीटिंग ओवर होने के बाद कोई भी स्क्रीनशॉट लगा दिए पेमेंट के, कस्टमर को स्क्रीनशॉट लगा दिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिए, उनको पर्सनल ब्रॉडकास्ट में ऐड है, कम्युनिटी में ऐड है, तो वो शेयर कर दिए, इसके साथ साथ कोई ज्वाइनिंग फ्लायर से, वो ज्वाइनिंग फ्लायर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे डेफिनेटली, पेमेंट स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे आपको, वो कंटेंट आपको उठाना है और सिंपल भेजना है। क्या बोला मैंने साक्षी जी, सिंपल से वो कंटेंट उठाना है और उनको शेयर करना है, बड़ा आसान काम है आपका, सिंपल सा काम है। इसके अलावा आपको ना अर्निंग के फ्लायर जो होते हैं बेसिकली, वो अर्निंग फ्लायर आपके डिजाइन करने के लिए आप खुद भी सक्षम हो, आपको टूल मिल जाएंगे बेसिकली। आपको करना कुछ नहीं, फोटो लगाना है कस्टमर का, नाम नंबर लगाना है, ये चीज आप कर सकते हो सिंपल। आपने अर्निंग फ्लायर लगाया, ये आपने करा, और इसके साथ साथ आप है ना टेस्टिमोनियल वीडियोज भेज सकते हो। टेस्टिमोनियल वीडियोज अभी शूट है नहीं बेसिकली, बट विद इन 4 to 5 डेज आपको टेस्टिमोनियल वीडियोज भी ना ग्रुप में मिल जाएंगे। और इस तरह से आपको क्या करना है, आफ्टर वेबिनार वाला कॉन्टेंट ये आपको भेजना है, ताकि कस्टमर को आपकी याद आती रहे। आ गई बात समझ में? मुझे उम्मीद है सब लोगों को यहां तक क्लियरिटी हो चुकी है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बात करेंगे यार इस मीटिंग के सबसे मेन एजेंडा के ऊपर, सबसे मेन मोटो के ऊपर। सबसे पहले अब देखो, आप लोग अगर है ना पहली बार अब काम करना शुरू कर रहे हो, यूटिंग भी मीटिंग में अगर आप लोग पहली बार आए हो, तो अब आपको क्या करना है वो समझ लो, ध्यान से समझना और कोशिश करना कि क्या बताना चाह रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, सिंपल सुनो ध्यान से।
अब आप लोग है ना काम करना शुरू कर चुके हो और इस आईटी ट्रेनिंग को अगर आप डे वन से ज्वाइन कर रहे हो, डे टू पे आप लोग आ चुके हो बेसिकली। अब डे सेवन तक ज्वाइन करना है, नई नई चीजों को सीखना है, स्किल्स आप लोग सीख रहे हो बेसिकली अब ये, और इन स्किल्स को 7 दिन तक आप मेरे साथ रहोगे, सीखते जाओगे बेसिकली, सीखते जाना है आपको। लेकिन सीखते सीखते ना ये जरूरी नहीं है यार 7 दिन तक हम सीखते रहे, 2 दिन हो चुके हैं ना सीखते, तो तीसरे दिन आप काम करना शुरू कर दो। और आप सब लोगों को अब काम करना क्या है वो समझना सिंपल से। सबसे पहले आपको है ना फर्स्ट कॉल करना शुरू करना है। जितने लोगों ने अपनी स्टार्टिंग में कस्टमर, जितने लोगों के पास नहीं है वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट ले सकते हैं, वहां से उनको कस्टमर मिल जाएंगे। जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर है वेल एंड गुड, उन पे आप बात करना शुरू कर सकते हो। अपनी फर्स्ट कॉल शुरू कर दो कल से ही, बिफोर कॉन्टेंट उनको भेजना शुरू करो कल से। क्या कॉन्टेंट भेजना है मैंने बता दिया, वो कॉन्टेंट आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। वो कॉन्टेंट अगर आपको ग्रुप में नहीं मिलता है तो जो आपके पर्सनल सीनियर लोग हैं उनसे आप बोल सकते हो, वो आपको कॉन्टेंट अवेलेबल कराएंगे। उनसे कॉन्टेंट लो, कॉल करना शुरू करो, और इनवाइट करना अगर नहीं आता है ना तो इनविटेशन का मीटिंग का लिंक है, वो मीटिंग का लिंक आपको कल सुबह तक लाइव होगा बेसिकली, कि इनवाइट कैसे करते हैं कस्टमर्स को। वो चीज अगर आपको नहीं पता कैसे सीखा जाता है उसकी रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिलेगी। तो वो वेबिनार को देखने के बाद आप है ना सिंपल इन्वाइट करने के लिए पहली कॉल करो, वेबिनार का आप लोगों ने कॉन्टेंट भेजना शुरू करो बिफोर वेबिनार कॉन्टेंट। और उसके बाद याद रखना कस्टमर को टाइम टाइम पे रिमाइंडर कॉल्स, साथ ही साथ कस्टमर का डाटा मैनेज करते हुए चलना है। और जब आपने ये चीज करी, कस्टमर अब वेबिनार में आ गया, वेबिनार आने के बाद आफ्टर द वेबिनार का कंटेंट भेज दिया, आफ्टर द वेबिनार का कंटेंट जब आप भेज दो तो इसके बाद क्या करना है, आज आपने जो कुछ भी किया ना इससे क्या साबित हुआ, कस्टमर के साथ आप कनेक्टेड है, कस्टमर आपको याद रखेगा, भूलेगा नहीं, कस्टमर आपको ब्लॉक नहीं करेगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे ब्लॉक नहीं होने वाले आप सब लोग, कस्टमर आपको भूलेगा नहीं बेसिकली। इसके बाद आपको क्या करना है, अब अगले दिन नए लोगों को कॉल करने से पहले, जो आज आप लोगों ने कॉल की थी ना 1 दिन पहले, उन लोगों को अब आपको कॉल करना है और उनसे अब सवाल करना है कि कैसे अब उनको आप लोगों को काम करना है। अभी बेसिकली आ जाता है फॉलोअप सेशन के अंदर, कि फॉलोअप लेने की बारी आ गई यहाँ पे, कस्टमर को ऑब्जेक्शंस हैं, कस्टमर की फॉलोअप लेने की, ज्वाइनिंग प्रोसेस पे आ चुके हैं बेसिकली हम, तो वो कैसे करना है वो आने वाली मीटिंग में आप लोग सीखोगे। फॉलोअप कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे कराते हैं, सब आप सीखने वाले हो बेसिकली। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, और क्या करना है अब अगले दिन कस्टमर से आपको पूछना है कि सर मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मीटिंग में कोई ऐसी बात जो कि आपको समझ में नहीं आई वो क्लियर करना है। कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले सकते हो, साओ तो वीडियो कॉल पे ले सकते हो, और सिंपल। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है फॉलोअप, फॉलोअप की इंपॉर्टेंस है, फॉलोअप अभी मैंने सिखाया नहीं है बेसिकली आप सबको, फॉलोअप जब सीख जाओगे ना तो आपके लिए सेल्स बहुत आसान हो जाएगी। धर्मेंद्र भाई सेल्स आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, मुझे उम्मीद है गाइज आज की इस मीटिंग से ना वैल्यू तो भर भर के मिल चुकी होगी आप सबको। सेशन बड़ा छोटा था लेकिन यार कहते हैं ना छोटा सा बम है ना धमाका करने के लिए काफी होता है, और मुझे उम्मीद है रुपेश भाई अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल किया तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि सर ये जो तरीका आपने बताया ना, ये तरीका अभी तक कितने लोग फॉलो कर रहे थे, कितने लोग फॉलो नहीं कर रहे ये बता दो, पहले तो चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दो कितने लोग है ना ये तरीका फॉलो कर रहे थे और कितने लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। भानु प्रताप जी, धर्मेंद्र यादव जी, अहमद भाई, जितने लोग है ना जो ये तरीका फॉलो कर रहे थे, कॉन्टेंट मार्केटिंग जो कर रहे थे ना वो मेरे को बता दो, जो लोग नहीं कर रहे थे वो लिख के बता दो सिंपल नो। कितने लोग एक्टिव हैं, जो जो नहीं कर रहे थे नो नो लिख के बता दो। ओके जयवान जी, नहीं सर हम नहीं कर रहे थे। ओके दयाराम जी, नहीं कर रहे थे। चौधरी जी, नहीं कर रहे थे। सर पता ही नहीं था, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब पता चल गया है। संदीप भाई, सबको पता चल गया। रुपेश भाई, अब पता चल गया, सिखाने वाला नहीं था, अब सिखाने वाला मिल चुका है आप सबको। मिथिलेश भाई, अब पता चल गया सर, अरे हम कर रहे हैं लास्ट 1 वीक से, ठीक है बहुत बढ़िया, अब कंटेंट मार्केटिंग और अच्छे से सीख लिया आपने। मिथिलेश भाई, पता नहीं था, ठीक है बहुत बढ़िया। ओके बट अब मुझे लगता है गाइस अब है ना आप सब लोगों को पता चल चुका है कंटेंट मार्केटिंग करनी कैसे है। और मैं एक चीज बता दूं यार, जो लोग मेरे को बोल रहे हैं सर कंटेंट मार्केटिंग हम लोग कर रहे थे बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, तो यार एक बात को समझो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा था ना तो इसका मतलब है आप है ना कॉन्टेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस चीज से रिजल्ट ही नहीं आ रहा उसका करना या नहीं करना दोनों बराबर की बात होती है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर रिजल्ट आ रहा है तो मेरा काम करना सक्षम है, काम करना पॉसिबल है, काम करना बोल सकते हो यार 100% मेरा काम करना, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो मैं काम करना बिल्कुल सही है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे ना और फिर भी जिद पे लड़के हुए हैं कि यार काम कर रहे हैं सर हम, तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ आप काम करते हो रहे हो अपने लिए कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा ना तो कोई लग नहीं रहा मेरे को, तंत वाली बात है। लेकिन अब मैंने आपको ना कॉन्टेंट वो अवेलेबल करा दूंगा आपको सिंपल, 2 से 3 वीडियो आपको ग्रुप में और मिलेंगे, जहां पर रिमाइंडर वीडियो का एक वीडियो और मिल जाएगा, आफ्टर द वेबिनार एक वीडियो और मिल जाएगा, डिसीजन मेकिंग वेबिनार होगा, डिसीजन मेकिंग वीडियो होगा, वो वीडियो आप लोगों ने अचीव करा दिया, अगर वो भेज दिया आप लोगों ने तो आपका काम हो जाएगा। सर अभी आपका कौन सा रैंक है, मैं बेसिकली बता दूं, मैं आप सबको प्लेटिनम रैंक जो हमारा कंप्लीट होने वाला है
इस मंथ के एंड एंड तक या दिसंबर के एंड एंड तक लेवल कंप्लीट, देन इसके बाद, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं यार, मैं आप सबको इस टॉपिक पे ना, मैं ना किसी और दिन आप सबसे बात करूंगा, ये बेसिकली आज का एजेंडा है नहीं वैसे तो, इस टॉपिक पे मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, बट इतना समझ लो यार, एज अ पार्ट टाइम में वर्क कर रहा था, बट अब एज अ फुल टाइम में वर्क कर रहा हूँ, और अब आ चुका हूँ आप सबको सपोर्ट करने के लिए। साक्षी जी, अमरीश भाई, पहले फुल टाइम काम कर रहे थे तो आपको चीजें सिखाने को लिए कोई था नहीं, सीखने के लिए आपके पास माइंड सेट नहीं था, तरीका नहीं पता था, सिर्फ तुक्के में काम चल रहा था। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेरी मीटिंग में आ गए हो ना साक्षी जी, मेरी मीटिंग में आ चुके हो अरफाज भाई, तो तुक्का नहीं तरीका सिखाऊंगा। क्या बोला मैंने? तुक्का नहीं सिखाऊंगा, तरीका सिखाऊंगा। और अभी तक जो तुक्के से काम कर रहे थे ना, पैसा कभी कमाते थे कभी नहीं कमाते थे, कभी कमाते थे कभी नहीं कमाते, लेकिन एक कंसिस्टेंट इनकम जो इसको चाहिए ना, वो इन तरीकों को इस्तेमाल करेगा। और आज के सेशन में आपको समझ में आया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप सबको समझ में आया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तो सिर्फ दो सेशन है आप लोगों ने ज्वाइन किया, डे वन और डे टू। डे वन और डे टू के बाद सिर्फ डे थ्री के लिए आप लोग एलिजिबल हो, काम कर सकते हो। अब कल डे थ्री में क्या पता करूंगा, क्या सीखने को मिलेगा, वो कल ही पता चलेगा आप सब लोगों को। और कल वाले वेबिनार का लिंक है ना आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जैसे आज मिला। मुझे उम्मीद है गाइस आज के सेशन में बहुत अच्छे से वैल्यू मिली, क्या करना है क्या नहीं करना। कल के सेशन के लिए तैयार हो जाओ, कल और भी ज्यादा धमाकेदार इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलेगा, कल और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप सबके साथ शेयर करूंगा। इस 7 दिन की अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बाद, इस 7 दिन की आईटी ट्रेनिंग के बाद, रट लो यार नाम रट लो, आईटी ट्रेनिंग एक ऐसा सपोर्ट है आप सब लोगों को, जहां पर आप सीखने वाले हो अगले और कुछ ऐसे 5 दिन के अंदर, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अब काम करना है, ये तो पता चल चुका है। अब इसके बाद आपको फॉलोअप कैसे लेना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, इसके बाद अनलिमिटेड लीड का पिटारा कैसे आप लोग खोल सकते हो, जहां पर लीड की कमी नहीं होगी। सुबह आपका काम है ना एक डॉक्टर की तरह होगा, सुबह आपको काम करने बैठना है, कस्टमर खुद चल के आएगा, कस्टमर के पास आपको खुद चल के नहीं जाना। वो तरीका बता दूंगा इस मीटिंग में कि कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि साक्षी जी मैंने ना यूटेक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को मुझे जाना है इस बिजनेस से काम कैसे करते हैं सर, काम कैसे होता है। अब ये पता आपको चल जाएगा, कब पता चलेगा, जब आप कल वाली मीटिंग में आ जाओगे। कल अगर आप मीटिंग में आ जाओगे तो आप है ना डे बाय डे अगर रोज मीटिंग में आओगे ना, तो आपको पता चलने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, मैं आप सब लोगों के लिए आशा करता हूं। और मीटिंग के लास्ट में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा आप सब लोगों को विश करना चाहूंगा, आप सभी लोगों को, मेरे इस छोटे से परिवार को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं यार इस नवरात्र है ना आप धमाका मचा दो, फोड़ दो, मतलब अपनी नॉलेज को ना इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दो कि यार अब है ना आप लोग पीछे ना रहो, जो लोग इनकम नहीं कर पा रहे थे ना, वो लोग भी अभी से बिजनेस से इनकम करें। मैं चाहता हूँ भले आप शुरुआत में 7,000 8,000 रुपए इस बिजनेस से कमाओ पहले महीने, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कम इनकम होती है, कमाओ बहुत अच्छा कमाओगे। और मैं आप सब लोगों को आशा करता हूँ, आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगा मैं कल नए सेशन के अंदर, नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, नए जोश के साथ। जब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल, सेम टू यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मिलेंगे अब कल नए सेशन के अंदर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।